यहाँ से हम जो आपको ट्रेस करके दिखाए हैं, 1 2 3 4 पिन नंबर 4 जो है इस पे देखिए, अब हमारा ग्रिड कितना कंप्लीट आ रहा है। उस टाइम क्या होता था, ग्रिड नहीं सुनाई पड़ता था, तो ग्रिड का तो तब हम छानबीन करेंगे जब हमारा दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। ये आप देख सकते हैं सोनी का 2-in-1 टेप है, जिसमें कि मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो दिया था आप लोगों के बीच में। इसमें मैंने न्यू टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ पैनल लगाया हुआ था, तो उस टाइम तो ये ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ गया है दोस्तों, जिसके वजह से जो है इसको मैं फिर से आप लोगों के बीच में दिखाने वाला हूँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया है, जो इसका साउंड में कमी आ गई है। अभी आप देख सकते हैं पैनल मेरा ऑन है, जो ब्लूटूथ पैनल है वो ऑन है, और जो साउंड का मैं आपको स्पीकर के पास ले चलता हूँ और सुनाता हूँ, तो आप सुन सकते हैं जो बहुत ही ना के बराबर जो है इसमें साउंड आ रहा है। आप सुन सकते हैं FM पे मैंने दे रखा है, लेकिन इसमें जो है वॉल्यूम भी मैंने फुल कर रखा है 50, और यहाँ से कंट्रोल के साथ भी मैंने फुल कर रखा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चिरचिर की आवाज़ आ रही है, यानी कि आवाज़ इसमें है नहीं, जो आवाज़ है एकदम बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में देखते हैं कि आखिर इसमें क्या फॉल्ट हो गया है जो जिसके वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं, रिपेयर करते हैं आपके सामने। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही रिक्वेस्ट के साथ में आपको सलूशन दिखाने वाला हूं प्रॉब्लम का। चलिए सबसे पहले जो है इसको खोलते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर लिया है, और इसमें अब ये चेक करेंगे कि आखिर इसमें क्या दिक्कत आ गई है जिसके वजह से इसमें साउंड कम आ रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है इसका, ब्लूटूथ का मैंने जो कैसे सेटिंग किया है इसमें, तो वो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। और बाकी वीडियो को स्किप ना करें, हर एक स्टेप चेक करते हुए आपको बताएंगे कि कैसे इसको फॉल्ट को पकड़ना है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो इसका किट है इसको निकाल लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आप देख सकते हैं जो ये हमारा IC लगा हुआ है, ये FM AM के लिए लगा हुआ है, जो इसमें पहले लगा हुआ था, क्योंकि इसको तो मैंने डिसकनेक्ट कर रखा है, लेकिन ये पहले जो FM इसमें बज रहा था ये उसका IC है TA8164P। और जो इसमें साउंड IC है दोस्तों, क्योंकि ये सोनी का है, तो ये साउंड IC आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो इसका नंबर है LA41601460। तो अगर ये IC हमारा ख़राब है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, या अगर हमारा ये कंट्रोल ख़राब है, जिस कंट्रोल के द्वारा मैंने इसका वॉल्यूम कंट्रोल को जो है ग्रिड को कनेक्ट किया है, अगर ये भी ख़राब होगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। अगर हमारा किसी कारण बस ये कनेक्टर वगैरह ख़राब होगा जो स्पीकर में लगा हुआ है, तो भी ख़राब हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर स्पीकर ख़राब होगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये है ओरिजिनल सोनी का। तो इसमें अब यही देखना है कि मुझे कम से कम टाइम में हम इसको कैसे अच्छी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे इस किट को ओपन करना पड़ेगा। अब हम इसका पहले तो IC चेक करेंगे कि जो ये हमारा IC है, ये आप देख सकते हैं ये हमारा साउंड IC है। पहले हम सप्लाई लगा देते हैं। दोस्तों मैंने सप्लाई लगा दिया है, आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया है, और पैनल में भी हमारा लाइट आ गया है, FM हमारा बज रहा है, आप सुन सकते हैं आवाज़।
तो इस सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आईसी हमारा है इसका पिन नंबर एक जो होता है, अगर हम सीधे करके देखें तो ये, अगर इस टाइप से हम सीधा करके देखें इसको, तो ये हमारा नीचे वाला जो पिन है ये हमारा एक नंबर पिन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 14 पिन का ये हमारा ऐसी है। तो इसमें हमारा कुछ इस प्रकार से है, जो एक नंबर पिन हमारा स्पीकर के लिए हो रहा है और 4 नंबर पिन हमारा ग्रिड के लिए हो रहा है, और इधर से आप ऐसे घूम के यहाँ पे जाएंगे 14 नंबर पिन पे, जो किट में भी लिखा हुआ है 14 नंबर, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं गौर से दिखाता हूँ पास से, आप देख सकते हैं किट पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे 14 नंबर। तो ये हमारा 14 नंबर पिन जो हो गया ये हमारा सप्लाई के लिए हो गया, पॉजिटिव सप्लाई के लिए, जिस पॉजिटिव सप्लाई में हमें 5-6 वोल्ट यहाँ पे इसको मिलना चाहिए। तो अब ये देखना है कि यहाँ पे सप्लाई हमारा प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम उसको चेक करेंगे सप्लाई को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अगर सप्लाई आपका प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आईसी जो है काम सही ढंग से नहीं करेगा। तो डीसी 1000 वोल्ट पे मैंने मीटर को सेट कर दिया है, और ये हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया। पिन नंबर 14 पे हम ये चेक करेंगे कि हमारा पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं पिन नंबर 14 पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, और हमारा पिन नंबर 1 पे जो है स्पीकर के लिए जा रहा है वहाँ भी 3 वोल्ट आ रहा है, और जो हमारा ग्रिड का है पिन नंबर 4 ये यहाँ से यहाँ गया हुआ है। मैं आपको दिखाऊं कि आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4, तो पिन नंबर 4 से यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे एक जम्फर लगा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, और यहीं से ये प्रिंट हमारा चल के यहाँ आया हुआ है, और यहाँ से यहाँ आया हुआ है, और यहाँ से ऐसे करके हमारा कंट्रोल के बीच वाले पिन पे आया हुआ है, यानी कि पिन नंबर 4 ही हमारा ग्रिड का काम करता है। तो इस पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे कोई हरकत नहीं हो रहा है, जबकि मेरा आईसी का सप्लाई भी ओके है, और हल्का आवाज़ आ रहा है इसमें। तो हल्का आवाज़ आने का दो कारण हो सकता है दोस्तों, एक तो हमारा ये आईसी ख़राब हो सकता है, जो हमारा ये 4160 का LA4160 का आईसी है, साउंड आईसी, ये ख़राब हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है दोस्तों कि जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्विटर लगा हुआ है यहाँ से ये, और एक स्पीकर लगा हुआ है, तो 3 इंच का स्पीकर लगा हुआ है और एक ट्विटर लगा हुआ है। तो मुझे लगता है जो जब मैं इस पर प्रेशर दे रहा हूँ तो कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, तो क्या पता ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्विटर ही काम कर रहा है, इस वजह से आवाज़ कम है और स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो एक बार हम सबसे पहले जो है इधर का छानबीन करने से पहले, आईसी खोलने से पहले, क्योंकि ये किट का प्रोसेस है, इसमें हाथ लगाने से पहले जो बाहरी हमारा प्रोसेस है उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। अगर वो कन्फर्म हम कर लेंगे तो ये तो सुनिश्चित हो ही जाएगा कि हमारा आईसी 100% ख़राब है, फिर हम चेंज करेंगे, खोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पता चला कि स्पीकर में दिक्कत है और यहाँ मैंने आईसी को छेड़ दिया तो हमारा सोल्यूशन भी नहीं होगा और ज़्यादा मगजमारी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हमारा स्पीकर है ये ठीक है या हमारा ख़राब है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों कि किस तरह से इसमें फॉल्ट था। अगर ऐसे फॉल्ट में हम कभी कभी क्या सोचते हैं जो नहीं यार स्पीकर तो हमारा बज ही रहा है, क्या दिक्कत है, इतना हम गहराई में नहीं जाते हैं कि यहाँ पे एक ट्विटर भी लगा हुआ है, तो वहीं पे हमारा हम गलती कर बैठते हैं और हमारा काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आपको पूरे अच्छी तरह से जो है छानबीन करके ही कोई काम करना चाहिए। तो मैंने वही किया है और इसीलिए मैंने इतना विस्तार में आपको बताया है। तो देखिए आईसी तो हम बदलने को बदल देंगे,
पता चला हमारा एसी ठीक है तो हमें बाद में ये अफसोस हो जाता है कि यार मैंने इतना मेहनत फालतू में कर लिया, जब छोटा सा प्रॉब्लम था तो मैंने इतना प्रॉब्लम का जो है माथा पैची करने का जो है मुझे जरूरत नहीं था। तो इसलिए मुझे जो है इतना विस्तार में आपको बताना पड़ा कि सबसे पहले आपको सप्लाई चेक किया है मैंने। सप्लाई हमारा जब यहाँ पे पिन नंबर एक पे 5 वोल्ट मिल रहा था, उसके बाद में हमने जो है यहाँ पे हमारा ये स्पीकर के लिए गया हुआ है, पिन नंबर एक जो है स्पीकर के लिए गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से जम्फर के द्वारा जो है यहाँ पे ईपी सॉकेट दे रखा है जो बाहर से स्पीकर बजाने के लिए, और ईपी सॉकेट से ही जो है कनेक्ट होकर के यहाँ पे एक पिन आया हुआ है और एक निगेटिव और एक ये पिन नंबर एसी का एक, ये हमारा स्पीकर के लिए जा रहा है। और यहाँ से हम जो आपको ट्रेस करके दिखाए हैं 1 2 3 4 पिन नंबर 4 जो है इस पे देखिए अब हमारा ग्रिड कितना कंप्लीट आ रहा है। उस टाइम क्या होता था, ग्रिड नहीं सुनाई पड़ता था, तो ग्रिड का तो तब हम छानबीन करेंगे जब हमारा जो है स्पीकर का एक बार हम लगा करके देख लेते हैं, क्योंकि स्पीकर कंपनी का है तो क्या हुआ पुराना होने की वजह से क्या पता स्पीकर भी फैल कर सकता है। तो इसी तरह से जो है आप लोग भी रिपेयर करें और पूरे तसल्ली के साथ इसमें अब जो है आवाज़ कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये स्पीकर दूसरा इसमें लगा दिया है तो आप देख सकते हैं अब हमारा ये प्रॉब्लम। तो इसी तरह से फिर से मिलते हैं नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से। अब इसको जैसे जैसे मैंने ओपन किया है वैसे ही मैंने इसको सेट करना है, तो इसमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये तो आप लोग समझदार हैं, समझ ही जाएंगे कि कैसे खोला है मैंने। इसी तरह से मैंने इसको सेट करना है, जो प्रॉब्लम था मैंने उसका सलूशन दे दिया है। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ में आप सभी दोस्तों से, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अजय देवगन ने सेट पर लाई गई मिठाई ने मुझे कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, मैं शायद एक्स मेल्ट टू टू स्मेल एफ एम मेल्ट जो अजीब से मुकराहट होने लगी।